अगर हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या में सुधार कर लेना तो बड़े से बड़ा मोटापा भी हार सकता है। आप पतले बन सकते हैं, आप घर पे रह के पतले बन सकते हैं। थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या, थोड़ा उठने बैठने का जो स्टाइल है आपका, काम करने का जो स्टाइल है, अगर आप उसमें सुधार कर देंगे ना तो डेफिनेटली आपको पतले होने से आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम टीवी देखते हैं रात के टाइम पे सोने से पहले, मेरी भी आदत है, तो हम कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं, हमारा जो पेट है ऐसे निकला रहता है। फिर आप बोलते हैं कि आपका जो नीचे वाला नाभि से नीचे वाला जो पेट है वो निकल जाता है, तो हमेशा मेरी आदत होती है कि अपने घुटनों को ऐसे मोड़ के बैठती हूँ मैं। इससे क्या होगा, बैली के ऊपर प्रेशर जाता है, आपका बैली, जितना आप गंदे पोस्चर में बैठेंगे ना, लेट के देखेंगे, ऐसे वैसे बैठ के देखेंगे, तो आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा। एक्सरसाइज का भी आपको इतना फर्क नहीं लगेगा। आपको बेड पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। हाथ आपके पीछे रहेंगे हर एक्सरसाइज में, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी टांगों की एक्सरसाइज होगी, और जो खाना आप रात में खा रहे हैं उसको जमने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारी बॉडी जो कैलोरीज होती है उसको जितना चाहिए उतना ले लेता है, बाकी वो वसा के रूप में, फैट के रूप में आपकी बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम फ्रिज के अंदर सब्जी स्टोर करते हैं ना, तो बॉडी अपने आप स्टोर करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो लेग है इस तरीके से खोलनी है, दोनों पैर जोड़ लेने हैं और इस तरीके से आपको खोलना है। एक तो ये हो गई आपकी, दूसरा फिर एक पैर के साथ एक खड़ा पैर रहेगा, एक इस तरीके से आपको करना है। इससे सारा जो असर है आपके बैली के ऊपर जाएगा, आपकी कमर के ऊपर जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कब एक्सरसाइज हो गई। और रात को सोने से पहले बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर कोई आज के टाइम पे खाना खाने के एक डेढ़ घंटे के बाद चारपाई पे जाता है, बेड पे जाता है ना। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा इस तरीके से आपको पैर उठा के रखना है, ठीक है, नीचे बेड पे नहीं रखना है, इस तरीके से पैर उठा के रखना है, फिर दूसरा पैर, फिर दूसरा पैर, फिर दूसरा पैर। वाकई में अगर आप अपने आप पे ध्यान देंगे, दिनचर्या को थोड़ा चेंज करेंगे, खाने को हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा ऑयली वगैरह जंक वगैरह नहीं खाएंगे, थोड़ा सा बैठने का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने आप पतले बनना शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा ही तो करती हूँ, क्योंकि सबको बताया भी, जिसके पास बच्चे हैं ना, वो भी दो दो बच्चे हैं, और जो अकेला रह रहा है तो उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से दोनों पैर आगे लेके जाने हैं, बेड को टच नहीं करना है, पैर ऊपर उठे रहेंगे और फिर आपको पीछे लेके आना है। मुझे ना यहाँ पे ना छोटू परेशान कर रहा है बार बार, वो है ना स्टैंड, कैमरे स्टैंड को हिला रहा है। फिर आपको साइकिलिंग करनी है, ये भी बहुत कमाल की, बहुत आसान, बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बैली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपकी कमर जो है बिल्कुल स्लिम बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आलसी लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ इस तरीके से बैठ जाती हूँ एक्सरसाइज करके, यही मेरा बैठने का स्टाइल है, मैं पसर के कभी नहीं बैठती हूँ, और इसकी वजह से मेरा जो पेट है वो निकलता नहीं। गाइस, अगर आप रात को सोने से पहले बेड पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें कि रात में एक ही चपाती खाएं, अगर आप चपाती खाते हैं तो चपाती के साथ कोई भी सब्जी दाल ले सकते हैं। दिन में जितना भी भर पेट खाना है आप खा सकते हैं, क्योंकि दिन भर हम चलते रहते हैं, काम करते हैं, तो उसमें हमारी जो कैलोरीज है वो बर्न होती रहती है। लेकिन रात में जब हम खा के पड़ जाते हैं तो वो जो आपका खाना है जितनी जरूरत होती है बॉडी को वो ले लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको आपको चारों तरफ जमाना शुरू करती है, मतलब कि फैट उसका बनाना शुरू कर देती है। तो इसीलिए रात में जितना हल्का खाना खाया जाए, दलिया दलिया खा सकते हैं, दाल दाल पी सकते हैं, चपाती के साथ कोई सब्जी ले सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का अगर आप खाएंगे ना तो आप कुछ ही दिनों में पतला होना शुरू हो जाएंगे। जितनी कम हो उसके उतनी कम, जितनी ज्यादा हो उसके मतलब उतनी कम कैलोरीज आपको लेनी है। नमक कम कर सकते हैं, हल्का सा शुगर कम कर सकते हैं, अपनी डाइट पे थोड़ा सा, अगर आप हैवी वाली डाइट लेते हैं, ऑयली डाइट लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अगर आपको बार बार खाने की आदत है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ज़्यादा जैसे ज़्यादा फाइबर वाली जो चीज़ें हैं जो आपका पेट भरे रखती हैं उनको खाइएगा। फाइबर से क्या होगा, एक तो आपका पेट भी साफ होगा, भूख कम लगेगी। जैसे सलाद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो बेबी मुझे तो परेशान कर रहा है, वीडियो भी बहुत मुश्किल से इसने बनाने दी है। तो आई होप कि आपको लोगों को कुछ समझ में आया होगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और, देख लिए आप कितना पसीना आया हुआ है ना। तो एक्सरसाइज जरूर करनी है, फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। ये था आज का वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, जय सिया राम।